Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hope you are doing great. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगारो की हेयर ड्रायर का रिव्यू, जिसका मॉडल नंबर है 1120. सो गाइज, जब बात आती है पर्सनल यूज़ की तो मैं हमेशा एक ट्रस्टेबल ब्रांड पे ही ट्रस्ट करती हूँ, और अगारो एक बहुत ही पुरानी और ट्रस्टेबल ब्रांड है जहाँ पर आपको इनके हर एक प्रोडक्ट में वारंटी मिलती है. सो कई बार होता क्या है कि हम लोग जो है वो पैसे बचाने के लिए कभी कभी सस्ते प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं एंड लोकल प्रोडक्ट पे जाते हैं, और कुछ समय के बाद क्या होता है, दो चार बार यूज करने के बाद उस प्रोडक्ट को हमें फेंकना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि वो काम करना बंद कर देता है. इसलिए मेरा आपको हमेशा सजेशन यही रहेगा कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो है वो ट्रस्टेबल ब्रांड पे ही ट्रस्ट करें और उसी पे इन्वेस्ट करें ताकि वो आपके लंबे समय तक चले और आपका पैसा वेस्ट ना हो. तो गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ अगारो की इस हेयर ड्रायर के बारे में, जिसको मैंने कुछ दिन पहले ही लिया है. तो गाइज, अगर आप एक बजट फ्रेंडली हेयर ड्रायर को ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि ये सिर्फ आपको हेयर को ड्राई करके नहीं देता है बल्कि इसके साथ आते हैं कुछ बहुत ही यूनिक स्टाइलिंग टूल, जिसका इस्तेमाल करके आप जस्ट लाइक पार्लर लाइक जो बोला जाता है वो हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं. और आजकल तो यूट्यूब में इतने सारे आपको ट्यूटोरियल मिल जाते हैं जहाँ पर आप सीख कर घर पर ही सलोन टाइप के जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं, एंड काफ़ी सारे लोग जो है उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ये सब कुछ करने में. सो अगर आप भी उन लोगों में से है जिनको घर बैठे हेयर स्टाइलिंग करने का बहुत दिल करता है तो आप ये वाले हेयर ड्रायर के साथ जा सकते हैं. और इस हेयर ड्रायर में बहुत कमाल के फीचर्स हैं, मतलब अगर आप एक ये हेयर ड्रायर ले लेते हैं तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे. तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, ये कौन कौन से फीचर्स के साथ आता है. सो गाइज, आउटर बॉक्स जो है कुछ इस तरह की आती है इस हेयर ड्रायर की. यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है अगारो की, और तीन अटैचमेंट का भी यहाँ पे दिया गया है. और उसके साथ ये एसी मोटर के साथ आता है, 2000 वाट के साथ आता है, दो साल की ये जो है वारंटी के साथ भी आता है. सो इस बॉक्स के साइड पे यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो है वो कूल शॉट फॉर स्टाइलिंग के लिए आता है, दो स्पीड सेटिंग के साथ आता है, एंड थ्री जो है वो हीट सेटिंग के साथ आता है. उसके बाद ये हनीकॉम इंटलेट के साथ आता है, और यहाँ पे रिमूवल एयर फिल्टर दिया गया है जिससे कि आपका कोई भी डस्ट है वो आसानी से यहाँ पे क्लीन हो जाता है. इसके साथ इस तरह का एक वारंटी कार्ड भी आपको दिया जाता है जो कि दो साल के साथ आती है. अगर आप इसको ऑनलाइन लेते हैं तो फिर आपको इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. उसके बाद इस तरह का एक मैनुअल भी आपको दिया जाता है, और इस मैनुअल पे आप देख सकते हैं दो साल की वारंटी लिखी हुई है और कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे अच्छे से डिटेल दी गई है. सो ये जो बटन देख रहे हैं ये है कूल शॉट, और उसके बाद यहाँ पे आपको दो एयर स्पीड दिए गए हैं, एक लो और दूसरा हाई है. एंड उसके बाद यहाँ पे थ्री हीट सेटिंग दी गई है, यानी कि लो, मीडियम और उसके बाद हाई. सो आपको जिस तरह की स्टाइलिंग करनी है या फिर आपको हेयर ड्राई करना है उस तरह से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं. उसके बाद ये एक हैंगिंग लूप के साथ आता है जिसको कहीं पर भी आप हैंग कर सकते हैं. और उसके बाद ये 2.5 मीटर के लॉन्ग कोड के साथ आता है जो कि इसका बेस्ट पार्ट है. इतना ज़्यादा लंबा इसका वायर है कि आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, ये इसका बेस्ट पार्ट है. उसके बाद यहाँ पर आपको एक कंसंट्रेटर मिल जाता है जिससे कि आप जो है एक जगह पर पॉइंट करके स्टाइलिंग कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है ये डिफ्यूज़र. सो ये जो डिफ्यूज़र आप देख रहे हैं ये कर्ली हेयर वालों के लिए है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ब्लो ड्राई करने के लिए. सो ये बहुत ही इजीली आपके बालों को ड्राई आउट कर देता है. और इस हेयर ड्रायर के साथ जो लास्ट चीज़ मिलती है हमें वो है ये कॉम, जो कि आपके बालों को स्ट्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है. सो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इस हेयर ड्रायर का कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने कूल शॉट को ऑन किया है क्योंकि अभी गर्मी का समय है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ठंडी हवाएँ लेना चाह रही थी. और उसके बाद मैंने यहाँ पे एयर स्पीड की सेटिंग को किया है. सो मैंने यहाँ पे लो बिल्कुल रखा था, और एक दो बार मैंने हाई करके भी देखा था, बट मुझे लो के साथ ज़्यादा मतलब कि अच्छा लग रहा था. सो अगर आपको कहीं जल्दी में जाना है और सिर्फ अपने बालों को ड्राई आउट करना है तो आप इसकी सिर्फ हेल्प से कर सकते हैं विदाउट एनी अटैचमेंट को अटैच किए हुए. सो ये खास करके स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या फिर ऑफिस गोइंग वाले लोगों के साथ होता है. इस हेयर ड्रायर की सबसे बेस्ट अटैचमेंट मुझे इसका कॉम लगता है, क्योंकि जब आप इसको अटैच करके करते हैं तो ये क्या करता है, सिर्फ आपके बालों को सुखाता ही नहीं है बल्कि ये जो है आपके बालों को स्ट्रेट कर देता है. सो अगर आप चाहें तो इसको हिट करके उसके बाद जब स्ट्रेट करते कॉम चलाते तो ये बिल्कुल आपके बालों को स्ट्रेट लुक दे देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है.
लास्ट वाला जो अटैचमेंट है वो है ये डिफ्यूज़र। सो ये जो डिफ्यूज़र है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ली बालों वालों के लिए ही आता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ कि अगर आपकी कर्ली हेयर है तो आप कैसे इसको कर सकते हैं। सो आपको एक जगह पर 20 सेकंड के लिए इसको रखना होता है एंड ये जो है आपके बालों को पूरी तरीके से सुखा देता है, जो कि बेस्ट पार्ट है, क्योंकि कर्ली बालों वालों के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जो बाल होते हैं वो नहीं सूख पाते हैं। तो इस तरह से आपको 20 मिनट तक रखना पड़ता है। खैर मेरी जो हेयर है वो तो स्ट्रेट टाइप की है, तो जो प्राइस है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है। सो मैंने इसको लिया है 1400 समथिंग कुछ रुपीस में, जो एग्जैक्ट प्राइस होगा मैं यहाँ साइड पे मेंशन कर दूंगी। और ये जो है अगर आप सेल में लेते हैं तो ये आपको 1000 से 1500 के अंदर इजीली मिल जाता है। सो बहुत ही अच्छा ये हेयर ड्रायर है। सो गाइज फाइनली अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे बोलूँ तो ये टोटली वर्थ बाइंग है, फुल पैसा वसूल है और डेफिनेटली आपको इसको लेना चाहिए। सो अगर आपका एक सलून है या पार्लर है या फिर पर्सनल यूज़ के लिए चाहते हैं, स्टाइलिंग करने का काफ़ी ज़्यादा आपका शौक है तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। प्लस ये बजट फ्रेंडली है, 2 ईयर की वारंटी के साथ भी आपको मिलता है। और आपको क्या चाहिए गाइज, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। सो डेफिनेटली अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और हाँ गाइज, अगर आपके लिए ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो या फिर ज़रा सी भी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर मेरी वीडियो को दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को भी इस तरह की वीडियोज़ की नीड हो। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं आती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।